सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चाओं में आ चुके हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र की टिप्पणी की आलोचना करते हुए हिंदू धर्म पर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले भी कई बार हिंदू धर्म को लेकर ऐसे बयान दिए हैं, जिसको लेकर वीप ने अब उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल शुक्रवार को नागपुर में मधुकर भवन के उद्घाटन समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू ही सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, पूर्व में भी कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। भारत अपने आप में एक संप्रभु राष्ट्र है और हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित है। भारत के सभी लोग भारतीय हैं, सभी धर्मों, पंथों, संप्रदायों व संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व हमारा भारतीय संविधान करता है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य का इसी को लेकर बयान भी आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू धर्म न किसी वेद में मिलता है और ना ही किसी कुरान में। हिंदू राष्ट्र करके ये लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हिंदू धर्म के नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू धर्म न किसी वेद में मिलता है, न किसी पुराण में मिलता है। धर्म के नाम पर कभी वैदिक धर्म था, कभी शैव धर्म था, कभी वैष्णव धर्म था, आज ब्राह्मण धर्म है, जिसको ये हिंदू धर्म कह करके आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपने मकरजाल में फंसाते हैं। ब्राह्मण धर्म तो है नहीं, धर्म ब्राह्मण ही है, इसलिए कि अगर ब्राह्मण धर्म नहीं होता तो केवल ब्राह्मणों का गुणगान नहीं किया गया होता, सबका सम्मान होता। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को राष्ट्रद्रोही बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि ऐसे लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ये लोग देश के दुश्मन हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना न केवल संविधान विरोधी है बल्कि राष्ट्रद्रोह भी है। ऐसा करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग रख करके देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं। सबका नेतृत्व करने के लिए हमारा भारतीय संविधान पर्याप्त है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ, संप्रदाय, संस्कृतियां हैं, जिसका सबका संरक्षण भारतीय संविधान करता है। इसलिए किसी को और ठेकेदारी निभाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि पहले भी कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर ऐसे ही बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर वो विवादों में भी आए थे, उनकी जमकर आलोचना भी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से उनके ट्वीट और बयान ने चुनावी समय के बीच घमासान छेड़ दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि इस बार बीजेपी स्वामी प्रसाद के इस बयान का कैसे पलटवार करती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद ने इस बार मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।